सीजी टेट पात्रता में संशोधन किया गया है। आपको सभी जानकारी सिलेबस के साथ इस वीडियो में दिया जाएगा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों पात्रता में संशोधन किया गया है। तो किस प्रकार से संशोधन किया गया है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो संशोधन किया गया है वह यहाँ पर है, 1 से 5 तक के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए अध्यापन हेतु आपको न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है, और साथ ही में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब आपको DEd DLed पास आउट होना है। आप यह एक है योग्यता, उसके पास अथवा अगर आप 50% के साथ पास आउट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर दूसरा भी दिया गया है। अगर आप 45% अंक के साथ 12वीं पास आउट हैं और साथ में डिप्लोमा में मतलब DEd किए हुए हैं तो भी आप सीजी टेट 1 से 5 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह सीजी टेट एग्ज़ाम जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। यहाँ पर दोस्तों अगर 50% अंक के साथ आप 12वीं पास हैं और साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLed किए हुए हैं तो भी आप वर्ग 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप 50% अंक के साथ 12वीं के साथ शिक्षा शास्त्र विशेष में 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्नातक में है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे आप किसी भी नाम से जाना जा रहा हो, अगर आप प्रवेशित और अध्ययन अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आप देख सकते हैं, इसमें अंतिम वर्ष कहीं पर नहीं दिया गया। अगर आप प्रवेशित हो चुके हैं एवं अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं 6वीं से 8वीं के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं सीजी टेट में। तो यहाँ पर स्नातक ग्रेजुएशन में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DEd चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर आप प्रवेशित हैं और अध्ययनरत या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो आप सीजी टेट में वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 50% अंक के साथ अगर स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd किए हैं या 2 वर्षीय BEd किए हैं या प्रवेशित हैं या अध्ययनरत हैं या पास हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बार किसी में भी अंतिम वर्ष नहीं दिया गया, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मान्य होगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम 45% अंक के साथ आपको ग्रेजुएशन और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd या 2 वर्षीय BEd में अगर आप प्रवेशित हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो दोस्तों इसके लिए आप जो नियम जारी किया जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता मापदंड के क्रियानुसार विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप 50% अंक के साथ 12वीं पास हैं और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर स्नातक कर रहे हैं BEd प्रवेशित हो चुके हैं या अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो भी आप सीजी टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप 50% अंक के साथ 12वीं पढ़ चुके हैं और 4 वर्षीय BA BSc BEd के अंतिम वर्ष में प्रवेशित हैं या अध्ययनरत हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों न्यूनतम 50% अंक के साथ आप ग्रेजुएशन और 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में और 2 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में प्रवेशित हैं या अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो सीजी टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी आप देखते हैं सिलेबस कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है यहाँ पर जो कहा गया है प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि का होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 अंक होगा, गलत उत्तर होने पर नेगेटिव अंक प्रावधान नहीं रखा गया है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। आपको अगर आप 150 में मतलब 150 में सभी को आप टिक लगा देते हैं, जितना सही है आपको मिलेगा उतना गलत है वो गलत ही रहेगा, आपके सही नंबर में से नहीं काटा जाएगा। इसके साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं आप लोग का जो सिलेबस है, परीक्षा अवधि रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का जिसमें है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए 1 से 5 तक के लिए 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा के लिए है 30 अंक का, भाषा अंग्रेजी के लिए है 30 अंक और गणित के लिए रहेगा 30 अंक रहेगा, पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 अंक, टोटल 150 अंक का 150 प्रश्न पूछे जाएंगे सीजी टेट 1 से 5 तक के लिए। उसके पश्चात आता है आप लोगों का दूसरा पेपर जो होगा सीजी टेट के लिए जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रहेगा 30 अंक का प्रश्न रहेगा, उसके पश्चात हिंदी और अंग्रेजी मिला के 30 और 30 60 अंक का यहाँ से रहेगा। उसके पश्चात विषय आधारित परीक्षा में रहे गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक, जिसमें गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए रहेगा, गणित और विज्ञान सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए रहेगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक। इसके साथ जो अन्य विषय शिक्षक के लिए 4 या 5 में से कोई भी 60 अंक।
मतलब दोस्तों जो भी अन्य विषय है, चाहे गणित ले सकता है या सामाजिक विज्ञान ले सकता है, तो इनमें से अगर इन दोनों में से किसी एक को लेता है तो वहाँ से 60 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको CGTET के संपूर्ण सिलेबस देखना है तो हमारा वेबसाइट है cgvacancynews.com, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और डिटेल में सिलेबस को विस्तृत से वहाँ पर डाला गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट है cgvacancynews.com। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस प्रकार सर कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरें, CGTET का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप सीधे वह वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।